वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल कुकिंग एपिसोड 8। और आज हम बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी सा मार्बल केक। तो आइए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिएगा कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, मैदा, चीनी, ऑयल, मिल्क पाउडर, 2 अंडे और चॉकलेट। पहले हम थोड़ी सी चॉकलेट को मेल्ट करेंगे और 2 अंडे और 1 कप चीनी का लेकर हम जग में डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से ग्राइंडर करेंगे तकरीबन 5 to 7 मिनट्स के लिए। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके 1 कप ऑयल का डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से ग्राइंडर कर लेंगे। हम इसमें 1 and 1.5 कप मैदा, 1 spoon and 1/2 spoon बेकिंग पाउडर और 1 spoon मिल्क पाउडर को डाल के इसको अच्छे तरीके से छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ और लैमेलिस बाकी ना रहें। तो एक जग में डाल के 5 मिनट्स के लिए मैक्सिमम भी ग्राइंडर किया जाएगा। अच्छे तरीके से प्रॉपरली मिक्स करेंगे। इसकी थिकनेस आपको सेमी सॉलिड की तरह लगेगी। अब मोल्ड को बैटरिंग के लिए हम ऑयल लगाएंगे और इसमें हल्का सा मैदा लगाएंगे ताकि केक आपका साथ ना लग जाए। ये हमारी जो है वो केक की बैटरिंग तैयार हो गई है। अब हम इसमें कोको पाउडर तैयार करेंगे। 1 spoon and 1/2 spoon कोको पाउडर को डाल के और इसमें अच्छे तरीके से मिक्सअप करेंगे। अब हम लेयर्स बनाएंगे। आपने वनीला बैटरिंग को ज़्यादा और कोको वाली बैटरिंग को कम रखना है। हमारा केक की लेयर्स बन गया। अब आप कोई सा भी डिज़ाइन बना लें ऊपर से स्टिक के साथ। और मैंने कुकर को पहले से प्री हीट कर लिया था और इसमें एक स्टैंड रख लिया था। अब इस मोल्ड को 45 मिनट्स के लिए इस स्टैंड के में रख देंगे और इसमें कोई ऊपर वजन दे देंगे। फिर 45 मिनट्स के बाद लो फ्लेम के ऊपर हमारा केक बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर आपका केक ना तैयार हो तो आप इसको 15 मिनट्स के लिए और भी रख सकते हैं। ये जी आप हल्के से इसके ऊपर चॉकलेट लगा के बिस्किट्स की टॉपिंग कर लीजिए। जी हमारा केक बिल्कुल तैयार है। अभी मैं आपको इसको कट करके दिखाऊँगी। ये बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी सा केक बना है। Style is the answer.